बिहार के माननीय मुख्यमंत्री अपने गृह जिला में भी सुरक्षा नहीं दे सकते, सुरक्षा व्यवस्था नहीं बना सकते, फिर बहुसंख्यकों को अपमानित करके इस तरह से सरकार क्या संदेश देना चाहती है? न बचाते हैं न फंसाते हैं। वही मामला पर तो विधानसभा के अंदर में प्रश्न उठाए थे और आज तक उसका जवाब और समस्या का समाधान नहीं हुआ। कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए समझौता कर चुके हैं, समर्पण कर चुके हैं और ये अब दिन गिन रहे हैं। नमस्कार, मैं पूजा चौबे, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। रामनवमी के मौके पर उपेंद्र सिंह झड़प मामले को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष बृजेश कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कह रहे हैं, आप वीडियो में सुनिए। तिथि है इस माह का, जिलाधिकारी से भी हमारी बात हुई थी, SP से भी बात हुआ था। उन्होंने कहा था कि ठीक है और हम लोग अब जा रहे हैं। मालूम हुआ है कि वो लोग सुबह पहुंचा दिए हैं। तो इस तरह से प्रशासन बहुसंख्यकों का, हिंदुओं के आस्था को क्या सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है? क्या हम लोग अगर जो जाते तो प्रतिपक्ष का संवैधानिक पद पर हम लोग बैठे हुए भी हैं, संविधान के तहत प्रतिपक्ष का भी अपना अधिकार और सम्मान है। हम तो हाँ सामाजिक सद्भाव, लोगों की आस्था पर जो चोट लगा है उसको भी सहलाने के लिए, लोगों को मिलाने के लिए सभी धर्मों का सम्मान हम करते हैं, फिर बहुसंख्यकों को अपमानित करके इस तरह से सरकार क्या संदेश देना चाहती है? तुष्टीकरण की राजनीति से क्या राजसत्ता चल सकती है? एक पक्षीय व्यवस्था से क्या सरकार चला पाएगी? हम लोग अभी जाएंगे और बाबा मणिराम अखाड़ा पर उनका दर्शन करेंगे। लोगों का फोन आ रहा है और इस तरह की व्यवस्था अगर जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री अपने गृह जिला में भी सुरक्षा नहीं दे सकते, सुरक्षा व्यवस्था नहीं बना सकते, ये अपने अहंकार और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए तीर्थाटन में लगे हैं और किस तरह से प्रशासनिक अराजकता बनी हुई है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि क्या लगता था अब सुबह 7 बजे ही पहुंचा दिया। हम लोग पहुंचते, साथ में प्रशासन चलती, हम लोग साथ में चल करके एक सामाजिक सौहार्द भी बनता, लोगों को लगता कि नहीं प्रशासन सजग है। और जिन लोगों को आपने झूठे मुकदमे में फंसाया, जिसके आस्था पर चोट किया, जिस रामनवमी शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाया, उसके मन के अंदर शांति आती, सामाजिक सद्भाव बढ़ता। लेकिन आप इस तरह से व्यवस्था बना करके लोगों के विश्वास को तोड़ रहे हैं, अपनी कायरता कमजोरी प्रकट कर रहे हैं और ये मानसिकता कहीं नहीं बिहार के लिए उचित है और कतई लोग इसे स्वीकार नहीं करेगा। अगर जो नहीं बचाते हैं, नहीं फंसाते हैं, तो उनके कैबिनेट मंत्री इजराइल मंसूरी, जिस पर डायरेक्ट मृतक का परिवार FIR करने जाता है और उनको कॉपी भी देते हैं, वो पढ़ते भी हैं, स्वीकारते भी हैं, FIR क्यों नहीं होता है? और FIR को तो छोड़ दीजिए, उसको धमकी देता है कि अगर जो FIR करोगे तभी बेटा को मारें, अब दामाद को मारेंगे। मुख्यमंत्री जी की क्यों नहीं इस पर कोई जवाब आया? न बचाते हैं न फंसाते हैं। वही मामला पर तो विधानसभा के अंदर में प्रश्न उठाए थे और आज तक उसका जवाब और समस्या का समाधान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी का करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है, इनका इकबाल खत्म है। कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए समझौता कर चुके हैं, समर्पण कर चुके हैं और ये अब दिन गिन रहे हैं। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को क्या कुछ कह रहे थे। बोल रहे थे कि नीतीश कुमार को यात्रा करने से पहले टाइम ही कहाँ है, तो बिहार की जनता को देखेंगे। नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए क्योंकि उनके गृह जिला में इतना सब कुछ हो गया और नीतीश कुमार इतने शांत बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं नीतीश कुमार। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक न्यूज 24। कैमरामैन जैकी के साथ पूजा चौबे, पटना।